हरे कृष्णा। तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है श्रीराम वृंदावन से। तो आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे आज इतने सारे भक्त लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। कार्तिक महीने के कुछ ही दिन बाकी हैं, तो हम सभी के पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा दीप ऑफर करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। बिहारी लाल की जय। तो आज सुबह मैंने थोड़ा सा एक फुटेज रिकॉर्ड किया, उसके बाद पूरे दिन, अभी शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं पता नहीं, बट फिर भी पूरे दिन से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, किया बहुत कुछ पता नहीं क्यों। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं यमुना क्लीनिंग करने के लिए। आज है कार्तिक महीना भी चल रहा है और हम यमुना महारानी की सेवा करेंगे। यमुना महारानी कौन है? अगर आप में से किसी को ब्रजवास चाहिए तो 5 जन में से 1 जन है यमुना महारानी। अगर कोई व्यक्ति यमुना महारानी को खुश कर लेता है तो यमुना महारानी उन्हें ब्रजवास देती हैं। और आप सोच रहे होंगे 5 जन ऐसे कौन है जिनकी कृपा मिल जाए तो हमें ब्रजवास मिल जाए, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और एल्स मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, अगर याद रहा मुझे तो। पता नहीं मेरे को क्या है, ये दिल्ली वाली गाड़ियों से मेरे को इतना ज्यादा हो है कि पूरा मथाड़ी तक गाड़ी लेके जाएंगे। दिल्ली और एचआर भाई साहब, इन लोग का कैसे, इनको समझ ही नहीं आता कि पार्किंग नाम की भी कोई चीज होती है। भैया पीछे रह गया, जहाँ जाना है आपको, जय हो। उनको कहीं और जाना है और आ गए इतना आगे। गूगल मैप यूज करते हैं वृंदावन में। जय श्री कृष्ण बोलो, जय हो मदन मोहन भगवान की जय। देखा यहाँ भी अचार। तो देव उठनी एकादशी है 20। अरे भाई कहाँ फंस गया धोती, 23 को एकादशी है तो देखो गन्ना वन्ना आ गया है। और यहाँ पे हमको देखने को मिली नगर निगम की गाड़ी भी आ गई, बड़ी खुशी हुई देख के। कि फिर मुझे नहीं लगता कि आज इतना फिर वो होगा, कल जितना गंदा था ना। जय हो यमुना महारानी की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। बट फिर भी थोड़ा गंदा तो है ही, तो हम आगे से थोड़ा साफ करते करते आएंगे, थोड़ी देर सेवा करेंगे, फिर आनंद लेंगे, फिर चलेंगे। भाई साहब आज मैंने सुबह से कोई इतना फुटेज ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बोला अरे ये क्या है, नहीं करूँगा, एक दिन ब्लॉग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खैर बहुत ही सुंदर मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम, पहले हम थोड़ी सेवा कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, खूब गंदगी है आज, तो हम यहाँ से थोड़ा साफ करेंगे और साफ करने के बाद देखते हैं। यमुना महारानी से प्रार्थना करते हैं, जय हो। यहाँ देखो इन लोग को, ये लोग भी साफ सफाई में आए हैं। तो यहाँ पे हमने सेवा शुरू कर दी है, हमने हाथ का और हाथ में प्लास्टिक, और मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि कहाँ से हमने शुरू करने वाले हैं पूरा प्लास्टिक कलेक्ट करना। यहाँ पे देखो ये पूरा जितना घाट दिख रहा है ना आपको, ये पूरे घाट पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लास्टिक्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग आए ना वृंदावन, तो अपने ना शेड्यूल में ना यात्रा के साथ में दो चीज़ ये भी ऐड कर लें कि पहली बात तो हम प्लास्टिक फेंकेंगे ना, और दूसरी बात हम आएंगे ना तो हम इन प्लास्टिक को उठा के प्रॉपर सही जगह पे रखेंगे। कितना गंदा लगता है यार देख के। आई नो मैं बहुत दिन बाद आया हूँ सेवा के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, सबसे जैसे समय मिलता है तो हम समय निकाल के आ जाते हैं सेवा के लिए। तो हम फिर यहाँ से सेवा शुरू करेंगे और फिर आगे तक जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रज आना तो हमारा एक छोटा सा जिम्मेदारी बनता है कि हम ब्रज को क्लीन रखें, क्योंकि अगर हम ब्रज को क्लीन नहीं रखेंगे तो ब्रज यात्रा पे तो सब आते हैं यार। मतलब ये सिर्फ यात्री की गलती नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिस्टेक है, प्रशासन का भी है। मैं यहाँ पे किसी को दोषी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दोषी तो मैं खुद हूँ कि मैं यहाँ पे आकर रोज साफ नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज्यादा मैं रोजमर्रा भरी जिंदगी में अपने बिजी हूँ, करेंगे जब तक है सेवा करने का वो। हम भगवान से मांगते भगवान हमें सेवा दो, सेवा पड़ा है करना नहीं, बड़ा दुख होता है। आप आओ कभी देखो, ब्रज के प्रति प्रेम है तो आपको बड़ा दुख होगा, नहीं तो रील बना के निकल जाओ।
तो हमें साफ करते करते अप्रॉक्स आधा घंटा हो गया, तो हमारे साथ में छोटी सी लाली ने भी हमें ज्वाइन किया है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे बहुत प्लास्टिक थे तो हमने पूरा निकाल दिया, इसको हमने वहां रखेंगे। हाँ वो भी लेके आ जाओ। टोटल मिला के हमने 3, 3, 6, 7, 8, 9 से 10 थैलियां हमने इकट्ठा कर लिया। और जय हो यमुना महारानी के। कमर दुखने लगा यार, क्या सुंदर लगना। ये हमारी जिम्मेदारी है यार ये सब साफ करना, कोई बाहर से थोड़ी आएगा यार। अब तो बच्चे, हाँ अभी हमें इसको लेकर चलना उधर। तो अभी हमने जितना थैली बना के रखा था तो हमने उसको उठा उठा के फेंका। और यहाँ पे देखो एक माता जी थैली लेके आई हैं। अगर इन्होंने थैली खोल के थैली फेंका तो बहुत अच्छी बात, पर हाँ इन्होंने अच्छे तरीके से किया, गुड। देखो किसी ने पानी का बॉटल फेंक दिया, बहुत गंदगी है यार। ये किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार को, प्रशासन को, प्रशासन का काम है ये। प्रशासन इसको अच्छे तरीके से ले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर राधे श्याम है भाई। डस्ट क्लीन करने के बाद हम यहाँ पे देखो, आई नो बहुत गंदा है यार अभी भी, बट फिर भी। तो आज यमुना की सेवा हो गई और बहुत ही खुशखबरी है, यमुना महारानी की सेवा करने के जस्ट बाद हमारे गुरुदेव करुणामय वनमाली स्वामी महाराज आए हैं, तो अभी उनका भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ और बस आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बस यमुना सेवा करने आया और पूरा दिन काम धंधा किया, कहाँ से लाएँ कुछ, पर लाएंगे बहुत जल्दी क्योंकि धीरे धीरे मिलता रहेगा यार थोड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है, हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा, कैसे हो? जोली ने भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज की जय। दर्शन पवित्र करे आई तो हमारे को श्रीधाम वृंदावन की जय। हरे कृष्णा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, हम यमुना सेवा के लिए गए मैं और नमित प्रभु जी। तो कल के दिन हमें कुछ और होगा, कुछ और चीजें देखेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। हरे कृष्णा।